वैसे वैसे आप गुनाहों से पाक होते जाते हैं। तो इसलिए जहाँ पे जानो माल की कुर्बानी दी है वहाँ पे अपने बालों की भी कुर्बानी दी है। तो जब आपके बाल कट जाएंगे तो आपके हराम की पाबंदियों से आजाद हो जाते हैं। तो ऐसे करके हमारा इंशाल्लाह उम्रा मुकम्मल होगा। इन सारी बातों में अगर आपको कुछ याद रहे ना रहे, इन सारी बातों में कुछ याद रहे ना रहे, चार चीजें हमेशा आपने याद रखनी है। वो क्या है? नियत करके हराम बांधना, जो आप सब कह चुके हैं। दूसरा तवाफ करना, तीसरा सफा मरवा की सही करना, और चौथा बाल कटाना या मुंडाना। जब तक आपके ये चारों फर्ज पूरे नहीं होंगे आपका उम्रा नहीं होगा, दम देना पड़ेगा, उम्रा दोबारा से करना पड़ेगा। तो लेडीज लोग खसूसी तौर पे कोशिश करिए कि रूम पे आके बाल काटने हैं। कुछ लोग देखते हैं वहां पे काट रहे हैं तो वहां पे आपने काटने की कोशिश नहीं करनी है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर है कि सैलून नहीं है, तो इसलिए आपने उसका एहतराम करना है और रूम पे आके बाल कटने हैं। उससे बढ़ के एक बात और कि जब आप वहां पे अपने बाल खोलेंगे किसी गैर महरम की नजर पड़ेगी तो गुनाह आप लोगों को होगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि रूम पे आइए, चोटी के आखिर से पकड़िए और एक उंगल पे बल करना है। बल करके तो आपने काट देने, या दूसरे अल्फाज में एक पोरे के बराबर आपने बाल काटने हैं, तो आप लोगों का भी यहाँ पे उम्रा मुकम्मल हो जाएगा।